जोड़ा जो है वो आसमान से उतरा है तो ये मेरे लिए बिरयानी बनाकर लेकर आए हैं। हम फैन है, चाहत है आपके लिए, प्यार है हमारे दिल में आपको देख के तो बहुत ही कुछ। मैं विदाउट मेकअप हूँ। जैसे ही मैं इसकी दुकान के पास से गुजरी तो मेरा दिल मतलब खुद ब खुद खींचा गया कि इधर जाओ इधर जाओ। इसकी नेचर भी अच्छी है, दिल की बिल्कुल साफ है। पटक करके मुंह पे बोल दी। तो गाने लोड करवाती है सोनिया, तो गानों में नाचती है। है तो फिर भी नहीं अच्छी है। बहुत जल्दी शादी आई हुई थी। हाँ इसकी 12 में छुके थी 24 घंटे। भाई अल्लाह 24 घंटे फिर क्या करते रहते थे। दुकान पे एक दो दफा मैंने छापा मार लिया था, सुहागरात वाले दिन आ गया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल एंजिया और आप देख रहे हैं मेरा अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुरतुल एंजिया। सो हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा सा जोड़ा है और जोड़ा जो है वो आसमान से उतरा है और जोड़े आसमानों पे ही बनते हैं और इनकी लव स्टोरी कुछ बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप तक ये लव स्टोरी जो है वो शेयर करूं और इनकी जो ये प्यारी सी चुलबुली सी बेगम है इन सर की वो आपके सामने जो है वो लेकर आऊं ताकि आपको पता चले कि इनके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। ठीक है जी, तो इन जोड़े का नाम क्या है इनसे जानते हैं। ये तो सोनिया है और वो है शहरयार। ठीक है जान, मैं चुकी हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले और ये हमारे लिए, क्योंकि ये मेरे बहुत बड़े फैन थे तो ये मेरे लिए बिरयानी बनाकर लेकर आए हैं जिसके लिए मैंने बहुत ज्यादा इनकार किया था। जी बिल्कुल, मैं खाऊ नहीं हूँ ना। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अपनी चाहत है इनके लिए, इनके हम फैन है तो इनके लिए बना। मैंने इतना मना किया था, मैंने कहा कल को ये ना कहना कि सोनिया मैडम ना बिरयानी मंगवा रही है तुमसे या कल को शवारमा मंगवा रही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये आपकी हम फैन है, चाहत है आपके लिए, प्यार है हमारे दिल में। सो बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और आपको देख के तो बहुत ही कुछ। मैं विदाउट मेकअप हूँ, इतना ज्यादा मेकअप नहीं किया हुआ। नहीं फिर भी बहुत प्यारी लग रही है। चलो बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताओ सोनिया, माशाल्लाह लव स्टोरी एक तो मैंने की थी चैनल पे, आज मैंने सोचा मैं आपको घर बुलाकर आपकी लव स्टोरी जो है वो लोगों तक पहुंचाऊं और आप जो एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे भी आपको कुछ ना कुछ फायदा हो। ठीक है, सोनिया को टिकटॉक बनाने का बहुत शौक है, वायरल होने का बहुत शौक है और उसको ये लगता है कि भाई मैं एक बहुत बड़ी हीरोइन हूँ और मुझे वायरल होना चाहिए। ठीक है, और वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत दिल की बहुत अच्छी है। सोनिया लव स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई? मैं शादी से पहले टीचिंग करती थी तो क्या कहते हैं लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने अपना ड्रेस सिलाई करवाना था। अच्छा। तो मैं अपनी दोस्त के घर कटिंग करवाने गई, रास्ते में 2-3 लॉर्ड वाली दुकानें आई। अच्छा। मोबाइल का लॉर्ड शॉर्ट था तो मैंने करवाना था लेकिन मैंने वहां से नहीं करवाया, लेकिन जैसे ही मैं इसकी दुकान के पास से गुजरी तो मेरा दिल मतलब खुद ब खुद खींचा गया कि इधर जाओ इधर जाओ। क्या लॉर्ड वाली दुकान पे जाते हैं तो पहले लॉर्ड वाला इंसान देखते हैं कि वो कैसा है तो उसके बाद लोड करवाते हैं? नहीं, कि चला गया। नहीं, बाहर से ही, अभी मैं रोड पे गुजर रही थी, बस पाँव उधर को चले गए। यानी सोनिया लड़के को देख के नहीं गई, पाँव लेके, पाँव बस किस्मत थी। लोड करवाया, कितने का करवाया? 250 का। तो अगले ने पैसे लिए थे कि फ्री का? नहीं पैसे लिए थे। आप फ्री के चक्करों में भी थी? ठीक है भाई मैं वहां पे जाऊंगी तो। नहीं ऐसा नहीं है, मैं लोड करवाने के चक्कर में गई थी। अच्छा। लेकिन जब ये कस्टमर और भी कस्टमर जाहिर इनकी दुकान पे आते तो इनका लहजा उनको डीलिंग करने का मतलब सलाम वगैरह करने का मुझे अच्छा लगा। मैंने इनसे इनकी फेसबुक आईडी मांग ली क्योंकि अच्छा। मैं जब किसी से इम्प्रेस होती थी तो उसकी फेसबुक आईडी ले। जब लोड करा रही थी तभी फेसबुक आईडी मांग ली? हाँ उसी दौरान ही। तो फिर मैंने इनकी आईडी मांगी तो इन्होंने आईडी दे दी, तो मैंने घर जाके सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिला क्योंकि ये थोड़ा चेंज लगा था फेसबुक आईडी के पिक्चर में। अच्छा तो वहां पे प्यारे लग रहे थे ओरिजिनल प्यारे? वहां पे ज्यादा प्यारे वो पहले की पिक्चर नहीं, वो पहले की पिक्चर थी जब ये इसकी कॉलेज लाइफ बहुत जवानी की पिक्चर थी। ठीक है, तो फिर मैंने लोड करवा लिया तो फिर मुझे थोड़े से गाने भी करवाने थे यूएसबी में, जैसे कि आपको पता मुझे शो। सोनिया ने तो वो हाथ पकड़ना चाहा तो मैंने इनको बोला कि मुझे सिम में दे दें। इनके पास हालांकि सिम थी। अच्छा। जैस की मैंने लेनी थी, इनके पास सिम थी लेकिन इन्होंने मुझे नहीं दिया, कहते आप कल लाना। मैंने कहा कल क्यों? कहते अभी ना हमारे पास है नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कैसे पता चला इनके पास सिम थी? क्योंकि नीचे काउंटर में नजर आ रही थी।
वहाँ पे पड़ी थी। सोनिया की आंखें भी बहुत तेज है। तो फिर मैंने इनको मतलब नेक्स्ट डे जब मैं आई तो इनकी शॉप पे, तो इन्हें मैंने बोला कि सिम दे दें, कहते अभी तो सिम नहीं है, आप ऐसा करें कि गाने लोड करवा लें। अच्छा। आपको आपने कल कहा था कि आपने गाने भी आपने करवाने हैं तो आप करवा लें, आज सिम फिर ले लीजिएगा। तो गाने लोड करवाती है सोनिया, तो गानों में नाचती है, क्या करती है? बस काम कर, क्या करते वक्त सुनती थी तब, यानी शौकीन मिजाज है आप। ओके ओके, आटा गूंद रही है तो सासा गा, ऐसे ही है, फिर काम जल्दी हो जाता है ना। फिर इन्होंने मुझे मतलब सिम नहीं दी और गाने लोड कर दिए, और जो गाने जिसपे मैंने इनको लिख के दिए उसके ऊपर इन्होंने नीचे अपना नंबर और आई लव यू लिख दिया। अच्छा। अब मैं सोचू कितने दिनों में ये सेकंड है। अच्छा, वेरी सेकंड है, ओके। तो मैं, मुझे पहले थोड़ा गुस्सा आया इन पे कि ये कैसा लड़का है, एक दिन में मेरे पीछे पड़ गया। फिर इन्होंने जाते वक्त कहते अपना मोबाइल दे दे, मैं लोड वो पता नहीं कुछ करना, गाना नहीं समझ आ रहा, तो पता नहीं इस तरह कुछ कहा, तो इन्होंने मुझे मोबाइल पकड़ लिया और मेरे मोबाइल में नंबर अपना सेव कर दिया। ओके। फिर इस तरह नंबर इन्होंने लिख के भी दिया और मोबाइल में सेव भी कर। हाँ जी, सही है। और फिर इस तरह फिर बातचीत चलने लगी। ठीक है। फिर इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको अपने घर यानी मिलवाना चाहता हूँ अपनी मामा वगैरह से। तो पहले तो मुझे थोड़ा हेजिटेट हुआ, फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, चले अच्छा लड़का है। तब सोनिया के रिश्ते आ रहे थे? नहीं, मेरा माइंड ही नहीं था, यूनिवर्सिटी जा रही थी। अच्छा। कोई शादी का माइंड ही नहीं था, लव का भी माइंड नहीं था ना, बहुत यूनिवर्सिटी में आपको पता है को थी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम किया। अच्छा। तो मतलब वहां पे भी काफी लड़के थे, लेकिन कभी इस तरफ माइंड ही नहीं गया था। अच्छा, ठीक है। बस इसको देखा ये अच्छा लगा बस। ठीक है। इसमें क्या चीज अच्छी लगी आप? बस इसका लहजा, इसके बात करने का, और ज्यादा इसकी आंखें। अच्छा। है तो फिर भी नहीं अच्छी है। मुझे ये बताएं क्या सोनिया में पसंद आया? दूसरे दिन ही आई लव यू बोल दिया आपने, यू आर सो फास्ट। इसकी बात करने का तरीका, इसका लहजा बहुत अच्छा था, इसकी नेचर भी अच्छी है, दिल की बिल्कुल साफ है। अच्छा, जो दिल में बात होती फौरन मुंह पे बोल देती, पटक करके मुंह पे बोल देती। अच्छा मुझे बताएं, जब सोनिया को प्रपोज किया था, लव यू बोला था, तब इससे पूछा था कि तुम्हारे कोई रिश्ते आ रहे हैं या तुम्हें कोई पसंद है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी आपकी किस्मत ठीक थी। जी है? सोनिया इनके अलावा कोई पसंद नहीं आया? नहीं। क्यों? तब छोटी थी, तब पढ़ रही थी। हाँ, पढ़ने का शौक था। मुझे कोई कहता था खानदान में अगर कोई रिश्ता, मतलब मेरी अम्मी को फूफो के बेटे अक्सर वो कहते थे कि हमने इसका रिश्ता लेना है, लेकिन मैं उन्हें यही कहकर कहती थी कि मेरी शादी ना हो चुकी है किताबों के साथ। अच्छा। मैंने सारी जिंदगी शादी नहीं करनी, बट ये बात। अच्छा ठीक है, सोनिया के लिए कोई सॉन्ग आता है? शेर सुना दूंगा। शेर सुना। मेरी मोहब्बत की बस इतनी सी कहानी है। मेरी मोहब्बत की बस इतनी सी कहानी है, जैसे टूटी हुई कश्ती और रुका हुआ पानी है। वाह 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 वाह। एक फूल उनकी किताब में मुरझा चुका है। हाँ। उन्हें याद भी नहीं कि ये किसी की निशानी है। हाय वाह जी वाह सोनिया। ठीक है, मुझे ये बताएं, बच्चे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। बच्चे हैं? कितने बच्चे? एक बेटा है। एक बेटा है, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने औलाद से भी नवाजा। क्या एज है आपकी? मेरी 24 साल। 24 साल। और सोनिया की? उसी को। सोनिया छुपाओगी तो नहीं? एज नहीं, नहीं। 23 साल है मेरी। 23 साल है, मतलब एक साल का फर्क है। हाँ। मतलब जब आप पैदा हुए थे साल बाद ये भी पैदा हो गई थी। बिल्कुल। ठीक है, मुझे ये बताओ सोनिया की कोई बुरी आदत? इसकी सिर्फ दो बुरी आदतें। सिर्फ दो है? हाँ, okay. बस मैं बाहर से जो कुछ भी इसके लिए लेकर आता हूँ, हाँ। उसमें से नुस्खे निकालना कि ये चीज सही नहीं है, पैसे बर्बाद कर आए हो। ये नहीं, मैं अपनी मर्जी की मालक हूँ। अच्छा। क्योंकि ये बात सब मुझे बोलता है कि मेरा जैसे संडे होता है, संडे को लोग बाहर नाश्ता वगैरह करने जाते हैं। हाँ। तो मुझे हलवा पूरी फॉर एग्जाम्पल खाना, ये क्या करना, नहीं नान चने ही खाने हैं। ये अपनी मर्जी थोपता है, ये मुझे भी इसकी बुरी लगती है। अच्छा, यानी तुमने नान चने नहीं खाने होते, तुम्हें हलवा पूरी खाने थी? ठीक है, हलवा पूरी अगर पसंद है बेगम को तो नाचने की क्यों बात करते हो? नहीं, मैं तो इसे कहता हूँ जो दिल करता है अपना ले लो। हाँ। तो वहाँ दुकान पे जाके फजूल का झगड़ा। नखरे करती है वैसे कि नहीं? हाँ करती, नखरेली है। हाँ, सोनिया इतनी तुम्हें जान नहीं जितने तुम्हें नखरे है। क्या वजह? नखरे पसंद की शादी की है, करो करने नहीं है। मुझे तो पसंद की शादी करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? मैं अगर अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को समझने वाला हो, सपोर्ट करने वाला हो, साथ देने वाला हो हर मुश्किल टाइम में। हाँ। तो मेरे ख्याल से लव मैरिज बेटर है। फिर भी
अरेंज भी ठीक है अगर माँ बाप को शामिल कर ले रहे हैं, बाज होते हैं भाग जाते हैं घर से, ऐसा बिल्कुल ना करें, अपने माँ बाप को शामिल करें जैसे कि हमने अपने माँ बाप को शामिल किया एक दूसरे को लाइक करके और शादी की, इस तरह नेक्स्ट टाइम। आपके मामा पापा ने कुछ कहा नहीं कि लड़का कैसे, ये तो बहुत ही पतला सा है और क्या है क्या नहीं है, लोड की शॉप है, कुछ थोड़ा अमीर होना चाहिए ये वो? नहीं, मेरे जीजू है उन्होंने बोला था, बाकी घर में मेरी मामा वगैरह उन्हें कोई इतराज नहीं था, उन्होंने कहा जहाँ आपकी खुशी है तो बस ये देख लो कि अपना मास्टर कंप्लीट कर लो, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई मुझे बीकॉम के बाद शादी करनी है। ठीक है, बहुत जल्दी शादी आई हुई थी। और आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैं एफए किया हुआ। एफए किया हुआ और आपने बीकॉम किया हुआ, तो अम्मा अब्बा राजी हो गए थे? बहनोई ने क्या कहा था वैसे? बस वो यही कह रहे थे कि अभी आप छोटी हो, अभी मास्टर कंप्लीट कर लो, लड़का भी अपने पांव पे थोड़ा और बेटर हो जाए। हाँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, हम मिलजुल के कर लेंगे, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, हम मिलजुल के एक दूसरे का मिलजुल के मास्टर कर लेंगे। और उन्होंने मिलजुल के जो है बेबी हो गया। मास्टर क्या, हेडमास्टर कर ले। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ सोनिया के एक तो बुरी आदतें आपने बता दी, अच्छी आदत क्या? ये हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है। अच्छा, खड़ी तो होती है ना, बैठती भी होगी साथ। मकसद ये है बताने का कि खड़ी होना जैसे अच्छे बुरे हालात हो तो हर वक्त में मेरा साथ देती है, मेरे साथ है। कोई परेशानी हो उसमें मेरे साथ। आपको कब लगा कि ये बुरा टाइम है और सोनिया ने मेरा साथ बहुत दिया? लॉकडाउन में शॉप बिल्कुल खत्म कर दी थी हमने, क्योंकि वो लॉकडाउन था, दुकान ओपन हो नहीं रही थी। ओके। तो किराया सर पे चढ़ी जा रहा था। अच्छा। जो मालिक था वो कहता था किराया मैंने माफ नहीं करना है, तो उसकी वजह से दुकान ना खाली कर दी थी, तो 3-4 महीने काफी तंगी हुई थी। ठीक है, फिर सोनिया ने क्या किया था? सोनिया मेरे साथ रही। हाँ। हमने इकट्ठे गुजारा किया जैसे तैसे। सोनिया वो गरीबी के दिन होंगे तो फिर कैसे कैसे था? देखा फिर मैंने भी यानी पढ़ाना ट्यूशन स्टार्ट कर दिया घर में बच्चों को। अच्छा। तो फिर हमने मिलजुल के अल्लाह का शुक्र, मतलब रिश्तेदार थे उन्होंने बोला हम हेल्प कर देते हैं आपकी किराया, जाहिर हम रेंट के घर पे रहते हैं तो इस तरह, लेकिन हमने कहा नहीं हम किसी का साथ नहीं लेते, मैं अपने पसंद की शादी की है, हम एक दूसरे के साथ हैं, अच्छा बुरा टाइम है। चलो अब माशाल्लाह अच्छा टाइम है, अल्लाह का शुक्र। अब सोनिया क्या करती है, पढ़ाती है? हाँ जी, अब मैं अकेडमी पढ़ाने जाती हूँ। जबरदस्त। और ये क्या करते हैं? इनके पेंट का काम भी है और मोबाइलों की शॉप। तो मेरी बात सुनो, इनको इन आपसे पहले इनकी कोई थी? हाँ, इसकी 12 मशूके थी 24 घंटे। 12 मशूके? ओए अल्लाह, 24 घंटे फिर क्या करते रहते थे? ये मैं इसके घर वाले बाद में मुझे पता चला, वो बताते कहते तुमसे बात करता, मैंने कहा मैं नहीं हूँ वो, तो कोई और है, इसने घंटे घंटे का टाइम रखा हुआ था। तो ये कब पता लगा आपको? ये शादी के बाद नहीं, लड़कियां तो मुझे दुकान पे एक दो दफा मैंने छापा मार लिया था। ये लव यू कहने के बाद की बातें? हाँ जी। बड़े वैसे शर्मिंदगी का मुकाम है फिर क्या? हाँ फिर तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मतलब काउंटिंग मतलब तो होते हैं ना। इसकी दुकान पे मतलब और भी लड़के थे, मतलब लोड करने के लिए कोई वो कंप्यूटर पे था इस तरह, लेकिन वो दो तीन लड़कियां ऐसी थी, वो आती थी नहीं हमने तो शहरयार से काम करवाना है। अच्छा। हमने तो इससे गाने डाउनलोड कराने। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? फिर मैंने दो तीन जसूस छोड़े मेरे भी, जाहिर मैं पढ़ाती थी उस इलाके में। अच्छा। मैंने उधर दो तीन अपने जसूस छोड़े कि जरा इसका पता करो कि लड़की क्या है। हाँ। तो फिर उन्होंने फिर पता चला कि मतलब इसके साथ सेट है। अच्छा अच्छा, कभी मैसेज वगैरह पढ़े या कुछ पढ़ा? सुहागरात वाले दिन आ गया था। ये कट क्या क्या मैसेज है? मतलब हमारी शादी रमजान से पहले हुई थी। अच्छा। यानी के 7 दिन पहले। हाँ। तो रमजान था तो उस दिन मैंने पहला खाना घर में यानी कि हफ्ते बाद बनाया। हाँ। घर में यानी कुकिंग स्टार्ट की, तो अभी मतलब सुहागरात पे थे हम। अच्छा। तो अभी मतलब घूंघट भी नहीं उठाया था तो इसका सर बजने लग गया। अच्छा। तो मैंने कहा जान मुझे जरा सर दो, कहते हैं अच्छा, जान कहते हैं हाँ जी। तो मैंने बोला सर मुझे दो, तो कहते हैं नहीं अभी मतलब आप रहने दो, तो सुबह देख लेना जिसकी भी आ रही कॉल। मैंने कहा नहीं नहीं आप दें जरा मैं देखूं तो सही। देखा तो इसकी मशूका मैसेज था, शहरयार मेरी तरफ से आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। पकड़े तो पकड़े कब गए हैं ये लोग यार, बड़ा शर्मिंदगी का मुकाम है। फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आया, मैंने फिर इसको मतलब इसको साइड पे किया, मैंने कहा तुम जरा साइड पे जो जरा मैं बहुत गुस्सा आया सोनिया। हाँ, मैं इसकी क्लास ले लू। अच्छा। फिर मैंने कहा मैंने इसके नंबर से किया तो उसने उठाया नहीं। फिर मैंने अपने बात सुनो,
रमजान मुबारक हो या क्या था, रमजान जी, रमजान, रमजान मुबारक कहना कोई बुरी बात तो नहीं? बुरी बात है यार, तो पूरी दुनिया पूरी किसी को भी कहते मेरे बंदे को क्या जाए, वो भी इसी मौके पे। मौके पे अच्छा ठीक है, फिर आगे फिर मैंने इसके नंबर से किया उसने बात सुनो आप, वो तो मुंह दिखाई वाला टाइम था ना, तो क्या मिली आपको एक कॉल एक मैसेज सॉरी वो भी मशूक का। हाँ फिर मैंने उसे इसके नंबर से किया, उसने नहीं उठाया, फिर मैंने अपने नंबर से किया तो मैंने बोला आपने इस नंबर पे कॉल किया, ये मुंह दिखाई वाले दिन सारा सी उसी टाइम हो रहा था तो ये तो फिर कमरे से निकल के बाहर चला गया। मैंने फिर मैंने कहा तुम्हें कोई और, कहती मैंने तो इसमें रमजान मुबारक कहना कौन सा बुरी बात है, मैंने कहा तो तुम्हें मेरा ही बंदा मिला और वो भी शादी वाले दिन, मैंने कहा तुम पूरी दुनिया पड़ी तुम अब तो उसकी जान छोड़ दो बहना जा दफा जा। अच्छा फिर मुंह दिखाई में क्या मिला आपको, लड़ाई कब सॉर्ट आउट हो गई? नहीं थोड़ी देर बाद ठीक हो गई थी, खुद ही आ गए थे रूम में। फिर खुद ही आ गए थे और फिर इसने मैंने इसे बोला कि मैं तुम्हें तब तक मतलब अपने पास नहीं आने देना और ना तुमसे बात करनी है। हाँ। तुम इसको यानी कि खुद कॉल करके मतलब अच्छा खासा ठीक कर दो। ठीक है, उसने किया उसके सामने? हाँ किया, आपके सामने? हाँ किया। उसके बाद आपको मुंह दिखाई में मिला? मुझे रिंग मिली थी सोने की। हाँ जी। उसके बाद भेज दी इन्होंने की रखी हुई है आपने? नहीं पड़ी हुई है। पड़ी हुई है, जबरदस्त। ये तो बहुत ही अनोखी कहानी थी। ठीक है, और आप अब शौक से अपना अकेडमी में जाती हो पढ़ाने के लिए, और भी बातें चलेंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपने हमारे साथ रहना है। और मुंह दिखाई के बाद जो है नेक्स्ट डे इनके साथ क्या हुआ और इनके साथ क्या हुआ हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।